स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नामनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, दैट इज रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइन। सो फर्स्ट रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, और इस लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है और उसका फार्मूला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2CH3 एंड CH3। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में टू चेन है, एक चेन जो है ये स्ट्रेट चेन है और दूसरा चेन ये वाला है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है, वो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, और जो सेकंड चेन है दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 है, मैंने बी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स वी सेलेक्ट द बी चेन बिकॉज इट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन देन ए। सेकेंड रूल है, द नेम ऑफ पेरेंट चेन आर डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग ए इन ई बाय वाई इन ई। ठीक है, इस पेरेंट चेन जो कि लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन कहते हैं, इस पेरेंट चेन का नेम जो है वी आर डेराइव फ्रॉम द करिस्पॉन्डिंग अल्केन। फॉर एग्जाम्पल एक 5-4 कार्बन अल्केन है, इसका नाम है ब्यूटेन। अगर इस तरह हो कि अल्काइन के मालिक्यूल जिसमें 4 कार्बन हो तो उसका नाम होगा दैट इज ब्यूटाइन। ठीक है, बिकॉज इट डेराइव फ्रॉम द ब्यूटेन बाई रिप्लेसिंग ए इन ई ऑफ ब्यूटेन ऑफ अल्केन या आर ब्यूटेन बाई वाई एन ई। ठीक है, इस तरह के और एग्जाम्पल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 है, तो इसके लिए अगर अल्केन है तो इसके लिए हम हेक्सेन यूज़ करते हैं, चूँकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सो वी रिप्लेस द हेक्सेन ए इन ई बाई वाई इन ई, सो ये है हेक्साइन। ठीक है, थर्ड रूल है, नंबर द कार्बन एटम इन सच ए वे दैट ट्रिपल बॉन्ड गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, रूल्स के मुताबिक वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड टू गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल एक मालिक्यूल है जिसका फार्मूला है CH, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड सी CH2 एंड CH3। ठीक है, हम नंबरिंग इस साइड से, अकॉर्डिंग टू रूल हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से नहीं। ठीक है, क्योंकि इस साइड से कार्बन का पोजीशन है वो, और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट है, और इस साइड से कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन वो है थर्ड। ठीक है, सो वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। नेक्स्ट रूल्स हैं, दैट इज फोर्थ रूल्स, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ठीक है, सो इसका अकॉर्डिंग टू इस कंपाउंड का नेम इस तरह होगा, दैट इज 1, 2, 3, 4, सो इंडिकेट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज 2 कार्बन 2 ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है वो सेकंड है। ठीक है, 2 इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, इसी तरह इस कंपाउंड का नेम अकॉर्डिंग टू रूल्स इस तरह होगा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 1 पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसमें 4th कार्बन है तो इसके लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं, और वाई एन ई शोज ट्रिपल बॉन्ड, सो 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट रूल्स हैं, द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेटेड बाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज़ अटैच। ठीक है, मतलब हम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी शो करेंगे, वी शोज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल दैट इज CH3CH CH3CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है अल्काइन, और ये पेरेंट चेन है, दिस इज पेरेंट चेन एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, एंड सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है वो है मिथाइल। ठीक है, तो फर्स्ट वी इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज वी स्टार्ट नंबरिंग, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड अकॉर्डिंग टू रूल्स। सो इस कंपाउंड का नेम इस तरह होगा, दैट इज 5, इंडिकेट फर्स्ट पोजीशन हम इंडिकेट करेंगे, दैट इज 5,
और पोजी सब्स्टिट्यूएंट का नेम, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज पाइप, सब्स्टिट्यूएंट का नेम है दैट इज मिथाइल, और पेरेंट नेम जो है वो है, सॉरी पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी हम इसमें इंडिकेट करेंगे। सो पाइप मिथाइल वन हेक्साइन, इस कंपाउंड के नाम एक नेम अकॉर्डिंग टू रूल्स है, पाइप मिथाइल वन हेक्साइन। इफ वन और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, सो वी यूज द वर्ड डाई पार टू, ट्राई पार थ्री, टेट्रा पार फोर एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल CH3, 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 सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, CH3। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आइडेंटिकल है एंड मोर देन वन है, और वो सब्स्टिट्यूएंट जो है दैट इज मिथाइल। सो इस मॉलिक्यूल में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थ्री मिथाइल है, सो थ्री के लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज ट्राई। इस कम अकॉर्डिंग टू रूल्स इस कंपाउंड का नेम इस तरह होगा, दैट इज वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, वन दैट इज टू थ्री फोर फाइव, दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज टू टू फाइव, सब्स्टिट्यूएंट आर मोर देन वन एंड आर आइडेंटिकल दैट इज मिथाइल, सो ट्राई मिथाइल। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दैट इज थ्री, पेरेंट चेन नेम दैट इज हेक्साइन, टू 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 फाइव ट्राई मिथाइल, थ्री हेक्साइन इस कंपाउंड का नेम हो गया अकॉर्डिंग टू। इफ देयर आर मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइन मॉलिक्यूल, सो देन डाई यूज पर टू, ट्राई यूज पर थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस अल्काइन के मॉलिक्यूल में टू ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, एक ये है और सेकंड वन ये है। वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस, दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, तो टू ट्रिपल बॉन्ड है, तो टू के लिए वी यूज डाई, इस मॉलिक्यूल फर्स्ट इंडिकेट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दैट इज वन एंड फाइव। ठीक है, वन एंड वन फाइव हेक्सा डाइन, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नेम अकॉर्डिंग टू रूल्स है वन फाइव हेक्सा डाइन।